about my luggage, no response. And the number I got here, I've been calling, no one's answering. Gulf Air, sort this out. Gulf Air lost my luggage and baggage here, and I'm at the airport trying to speak to someone about this. Nobody's answering. If I go to any counter, they're just sending me to one counter and to another. And I've been at the airport nearly 3 hours trying to speak to someone about my luggage. No response. And the number I got here, I've been calling, no one's answering. Gulf Air, sort this out. Gulf Air lost my luggage and baggage here, and I'm at the airport trying to speak to someone about this. Nobody's answering. If I go to any counter, they're just sending me to one counter and to another. And I've been at the airport nearly 3 hours trying to speak to someone about my luggage. No response. And the number I got here, काफ़ी सारी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं भाई, मेरे पास भी कई सारे बंदे बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे इस चीज़ को आप बताओ लोगों को, ताकि इन्फॉर्मेशन ये जो हो रहा है ये चीज़ पता चले लोगों को। तो भाई ऐसे ऐसे कई सारी एयरलाइंस की इश्यूज़ आ रहे हैं कि भाई पैसेंजर के जो लगेज है वो गुम हो रहा है, किसी का मिल नहीं रहा, किसी का 15-15 दिन बाद मिल रहा है, किसी ने रिक्वेस्ट डाल रखी है तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ऐसा भाई ये जो इंसिडेंट हुआ जो शेयर कर रहे हैं भाई साहब, तो ये गल्फ एयर का है, और गल्फ एयर ने ना जो बैगेज लॉस की प्रॉब्लम वो कई बार कई बंदों ने बोली भी है, तो इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों को साथ शेयर भी करनी चाहिए कि अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहे हो या फिर दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो तो भाई क्रॉस चेक करो किसी भी एयरलाइन से कि आपका लगेज टाइम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर ये श्योरिटी आपको मिलती है तो ही आप अपना आगे आगे प्रोसेस करो सारी चीज़ें, क्योंकि भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सामान उसके अंदर होता है कीमती, और बहुत सारे आपके पैसे भी होते हैं, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर किसी ट्रिप पे आप जा रहे हो और वहाँ पे आपको सामान आपका ना मिले और पूरी ट्रिप का मतलब एक तरीके से ना बर्बाद हो जाती है, तो भाई ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, ये लोगों को पता भी होना चाहिए। तो ऐसी वीडियोज़ को आप शेयर भी करो ताकि और भी लोगों को पता चले इन्फॉर्मेशन, और अपना भाई आप लोग सेफली ट्रैवल कर पाओ, आपके किसी भी सामान का नुकसान ना हो। तो इससे बचने के लिए भाई आप एयरलाइन से क्रॉस चेक करो, डबल चेक करो, और तभी आप ट्रैवल करो ताकि आपकी जो ट्रिप है वो स्मूथली आप कर पाओ और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों को ना आए। और ऐसे जैसे ये कंप्लेंट भाई साहब ने करी है तो आप भी कंप्लेंट करके रिस्पॉन्स का वेट भी करो ताकि जल्दी से जल्दी आपका जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाए और अपना ईजिली आपको आपका जो लगेज है वो मिल जाए। कई बंदे कंप्लेंट करते हैं कि लगेज टूटा हुआ था या उसकी चैन जो चैन जिप थी वो मिसिंग थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती रहती है भाई। तो ये चीज़ें भी थोड़ी है डिस्कस करने की, तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो इस वीडियो को भी आप शेयर कर देना आगे ताकि आप लोगों को पता चले और थोड़ा सा ना सेफली आप आगे एयरलाइंस के साथ डिस्कस करके आप ट्रैवल कर पाओ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।